जो शहीद हुआ है वो उसका शहीदी का दर्जा उसको दिया जाए, और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम भी उनकी पढ़ाई के लिए या उनके भविष्य के लिए कम से कम भी 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट उनको दे। एक 1.5 साल का बच्चा, एक 8 साल का, उसके पढ़ने के लिए जहाँ उसकी घरवाली को कोई नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार की शाम आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। आतंकवादियों की फायरिंग और बस की खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 अन्य घायल हुए। जिस वक्त आतंकवादियों ने गोलीबारी की उसी दौरान बस खाई में जा गिरी। बस के तीर्थ यात्री चीखते चिल्लाते रहे, इसके बावजूद भी आतंकवादी बड़े बेरहमी से छोटे बच्चे और बाकी तीर्थ यात्रियों पर गोली बरसाते रहे। शिवखोरी से लौटते हुए तीर्थ यात्रियों पर आतंकियों ने 100 से ज्यादा फायरिंग की। इस हमले से हर कोई गमगीन है। ये आतंकी हमला कितना भयावह था, यह आप सोच कर भी डर जाएंगे। उन लोगों ने आप प्रीति बताई जो इस हमले में किसी तरह से बच गए। आपको बता दें कि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से इतने सारे यात्रियों की जान बची। यात्री को बचाने के लिए ड्राइवर खुद के सिर पर गोली खाया और दूसरे को ये कहता रहा कि आप सीट के नीचे छिप जाओ। आतंकवादी हमला कर दिए हैं और वो खुद मौत के गाल में समा गया। इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिजन, उन्होंने मांग की है और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। डिमांड तो हमारी यही है सरकार से कि उसने जो शहीद हुआ है वो उसका शहीदी का दर्जा उसको दिया जाए, और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम भी उनकी पढ़ाई के लिए या उनके भविष्य के लिए कम से कम भी 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट उनको दे मदद के तौर पर, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो संवार सकें। क्योंकि ये बहुत गरीब फैमिली है और उसी के सिर पर वो ही विजय कुमार कमाने वाला था इनके घर में, और उसका विजय कुमार के जो पिता है वो भी डेथ हो गई है, उसकी माँ भी उसी के साथ रहती है, वो भी विधवा है, तो दोनों फैमिलियाँ उसी पर डिमांड करती थी। वो सुबह जाता था बेचारा कटर में, कटर से बस लेकर शिवखोड़ी जाता था, यात्रियों को लेकर के शिवखोड़ी में, और उधर जाकर शिव जी भगवान के दर्शन करवाता था, यही वो काम करता था ड्राइवरी का। तो मिलिटेंटों ने चाणचक अचानक उस पर हमला कर दिया, और जैसे कि यात्री बता रहे थे हॉस्पिटल में, हमने यात्रियों से बात हुई जो लोग बचे हुए थे वो बता रहे थे कि वो मिलिटेंट आकर के वर्दी पाई हुई थी खाकी आर्मी वाली, और वो उसको बोल रहे थे कि सवारियों को नीचे उतारो और बस को रोक। उसने रोका नहीं, ऐसे नहीं किया, तो उन्होंने गोली मार दी। उसकी लात में पहली गोली लगी तो उसने सवारियों को कहा कि भाई आप छुप जाओ, जी मिलिटेंटों ने हम पर हमला कर दिया है, आप सीटों से उतर के नीचे बढ़ जाओ बस के अंदर। तो उसने बस को नहीं रोका, अगर बस को रोकते तो वो सभी नीचे उतारते तो जितने लोग बचे हैं वो भी नहीं बच पाते। ये उसने बहुत बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार उसको शहीदी का दर्जा दे, और उसको उसकी जो फैमिली है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, और उसके बच्चों के लिए कम से कम भी 1 करोड़ रुपया उनको मिलना चाहिए। तो वही लोगों की मांग है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसने लोगों को जान बचाते हुए खुद की जान को गंवा दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मृतक ड्राइवर के भाई। मेरे से छोटा भाई था मेरा, उसी पे वो ड्राइवरी करता था, बाकी हम भी मजदूरी करते हैं, उसी पे घर डिपेंड था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक घर वाली जो रह गई है पीछे, उसका सरकार की तरफ से यही है कि जैसे मिलिटेंटों ने अभी मारा है, 1.5 साल का बच्चा, 1 8 साल का, उसके पढ़ने के लिए जहाँ उसकी घर वाली को कोई नौकरी दी जाए, और जो है कम जो भी सरकार की तरफ से उन्होंने डीसी साहब ने आश्वासन दिया हुआ है कि उसकी घरवाली को नौकरी देंगे। तो हमें मिलिटेंट तो पहले तो ये हो गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हमें मिलिटेंटों का पता नहीं था, जब उधर जाके चला कि वो मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई हैं, मिलिटेंटों का अटैक हो गया है। और जैसे हम उधर भी यात्रु जो उन्होंने हॉस्पिटल में जो घायल थे उन्होंने बोला था कि उसको गोली लगने के बाद भी हमें उन्होंने बोला कि आप सीटों के नीचे छुप जाओ, मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया है तो अपनी जान बचा लो। उसने भी अपनी उसके सर पे मिलिटेंटों ने गोली मारी, उसको पहले बोला कि बस रोक, यात्रियों को नीचे उतारो, सारे बंदों को नीचे उतारो। उसने नहीं उतारा, उसने आगे जाने के लिए फिर उसको गोली मारने के बाद बस नीचे गिर गई, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। ये उसकी बात है, बस नीचे ना उसकी थोड़ी आगे जाती तो हो सकता है उन्होंने सारे मार देने थे यात्रियों की, उसकी सूझबूझ से थोड़ा जो बचे हैं तो उसकी वजह से ही बचे हैं। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।